हेलो एवरीवन, मैं हूं नीतू। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप सबके साथ बायोडर्मा के कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गर्ल्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पास में ही नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप मेरे आने वाले वीडियोज से नोटिफाई हो पाएँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी क्विक अपडेट्स के लिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्रिशुलाइजस्टाइल। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है बायोडर्मा का सीबियम जेल मोसेंट। ये एक फेस वॉश है। ये बेसिकली ऑयली कॉम्बिनेशन एंड एक्ने प्रॉन स्किन वालों के लिए है। अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये इस तरह की ट्यूब में आता है। इसमें यहाँ पर आपको ब्लू ट्यूब मिल जाती है और ये ग्रीन कलर का कैप है। आप इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं। ये आपको जेल फॉर्म में मिलता है। तो ये इस तरह का है, ऐसी कंसिस्टेंसी है इसकी। इस ट्यूब में आपको 45 ml की क्वांटिटी मिलती है। ये 3-4 साइजेस में अवेलेबल है। मैंने ये सबसे छोटा साइज बाय किया है। तो बायोडर्मा की जो सीबीएम रेंज है वो बेसिकली ऑयली कॉम्बिनेशन एंड एक्ने प्रॉन स्किन वालों के लिए है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट बेसिकली आपके स्किन का जो सीबीएम प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से जो आपके फेस पर ऑयल आता है उसको कंट्रोल करता है, कम करता है, ऑयल को आने से रोकता है। तो जितने भी कॉजिंग बैक्टीरिया हैं अगर वो आएंगे ही नहीं तो एक्ने होंगे भी नहीं। इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मैनिटॉल, जो कि एक्ने प्रॉन स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। फिर है इसमें ज़ाइलिटॉल, रेमिनोज, फ्लक्टोक्लोराइड। ये बेसिकली प्लांट शुगर होती हैं जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होती हैं। आपके स्किन के हेल्दी बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करने का काम करती हैं। जब आपकी स्किन को फूड मिलेगा तो आपकी स्किन हेल्दी लगेगी ही। और इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी स्किन को प्लम रखते हैं, हाइड्रेट करते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही लाइट है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। फेस वॉश आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, उसको प्लम रखता है, हाइड्रेट करता है। तो अगर आपकी स्किन एक्ने प्रॉन स्किन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये एक्ने को आने से रोकता है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने प्रॉन स्किन है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। इससे फेस पर बिल्कुल भी फॉर्म नहीं आता है, पर ये आपके स्किन को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देगा। इससे हल्का सा वाइट आपको दिखेगा पर इसमें फॉर्म नहीं आता है और ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। तो नेक्स्ट है बायोडर्मा का ये सीबियम हाइड्रा। ये बेसिकली एक्ने और ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करेंगे। इसमें आपको ये वाइट ट्यूब मिल जाती है, आप इसे ऐसे ओपन कर सकते हैं और इसमें आपको इस तरह का वाइट प्रोडक्ट मिल जाता है। और आप देखिए कितना अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा आपके स्किन को, आप देख सकते हैं। इस ट्यूब में आपको 40 ml की क्वांटिटी मिलती है। इसमें भी आपको अलग अलग साइज मिल जाएंगे और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है। इट इज़ बेसिकली मेड टू काउंटर द एक्शन ऑफ द सीबीएम। ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बना है। कई बार जब हमें पिंपल्स हो जाते हैं तो हमारे डॉक्टर्स हमें कुछ इस तरह के जेल्स देते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, जैसे रेटिनॉल, बेंजोइक परऑक्साइड, सैलिसिलिक एसिड। ये सारे ही जेल्स हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। ये एक्ने को तो ट्रीट करते हैं पर हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। आपने देखा होगा वहाँ पर रेडनेस हो जाती है और कुछ अजीब सी पपड़ी जैसी वहाँ पर हो जाती है। तो ऐसी स्किन के लिए, ऐसे फेस के लिए, ऐसी ड्राइनेस के लिए आप इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर सकते हैं। इन जेल्स की वजह से जो स्किन ड्राई हो जाती है उस पर अगर आप मेकअप करना चाहेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा। वो ऐसी स्किन के लिए ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। तो ये मॉइस्चराइज़र क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को 24 आवर्स तक के लिए हाइड्रेट रखता है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें है ग्लिसरीन, जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से प्लम बना कर रखता है।
niacinamide, which again very good for stretchy and dry skin. इसमें एलिटाइन जो आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से सूट करता है. अगर आपकी स्किन एक्ने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई है, रेडनेस है या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची है, तो आपके लिए मॉइस्चराइजर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, डे में और नाइट में. तो अगर आप इन दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा. अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन या एक्ने प्रोन स्किन है तो आप दुनिया भर के प्रोडक्ट्स ट्राई कर ही रहे होंगे. एक बार इसको भी ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा. आप ये ग्लो देख सकते हैं, कितना अच्छे से मॉइस्चराइज किया है इसने स्किन को. मुझे तो ये लिटरली काफ़ी पसंद आया. इट्स रियली रियली अमेजिंग. तो गर्ल्स, ये था आज का वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप इसमें से कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं. वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.